नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, एसएससी सीजीएल की जो अभी एग्जाम चल रहा है आपका टीयर टू मैथ्स, उसके क्वेश्चन लाया हूँ मैं। 9-10 क्वेश्चन है मेरे पास अभी, 19 फरवरी के हैं ये, ठीक है। और इसमें प्लस आपको और भी चीज़ें मैं बताऊँगा, काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आज मुझे मिले हैं और काफ़ी सीरीज़ के भी मिले हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन मिले हैं, तो आज वाले कर लेते हैं। डेली मेरे पास जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इसमें देख लेते हैं। एक ये सबसे पहला फिगर आया था आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसकी साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और कुछ ये बीच में ऐसे ही इसको काटा गया है कि मतलब ये वन थर्ड डिवाइड हो गया। अब जो ये वाला शेडेड रीजन है, इसका पूछा है कि इसका जो एरिया होगा आपका, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए सिंपल है ये, 12 आपकी टोटल अगर इक्विलेटर की लेंथ दी हुई है, तो अगर ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 4 आ गया, 4 इधर 4 इधर 4 इधर। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर आप टोटल जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल, उसका एरिया ले लो और उसमें जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं 3, इनका माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका शेडेड रीजन का एरिया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, √3/4 × साइड स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, आपकी छोटे जो ट्रायंगल है उसकी लेंथ निकल गई, साइड निकल गई 4 सेंटीमीटर है, तो आप छोटे ट्रायंगल्स का टोटल तीनों का एरिया निकाल लीजिए, √3/4 × 4 × 4, और क्योंकि 3 है तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 3 है ना तीनों साइड पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपका शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे आप, टोटल जो आपका एरिया है, टोटल बड़ा ट्रायंगल, तो वो कैसे आएगा, √3/4 × 12 × 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड 12 है, और इसको माइनस कर दीजिए आप 12√3 से जो हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें शेडेड एरिया का रीजन आ गया 20√3, और फिर जो टोटल एरिया है वो हमारे पास कितना है, वो अभी हमने कैलकुलेट किया है इससे, ये 36√3 है, तो इसको आपको ये निकालना है शेडेड एरिया टोटल एरिया का कितना परसेंट है, डिवाइड कर दीजिए इससे और इंटू कर दीजिए 100 से, तो 67% आ गया ये लगभग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन मतलब 6 साइड है इसकी, 6 की 6 इक्वल है, और साइड की लेंथ दी हुई है 12 आपकी सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बनाया गया है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब देखिए हेक्सागन है तो इसका जितने भी इंटीरियर जो एंगल हैं वो 120 डिग्री होते हैं, ये जो जितने भी जैसे 5 साइड वाला 6 साइड वाला ये सब चीज़ें मैं एक बार फॉर्मूला इसमें शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जो हमारा ग्रुप है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसमें मैं पूरा ये ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले दे रहा हूँ, आप लोग इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, इसी में है, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। उसके बाद ये अभी मतलब ये एंगल कौन से होते हैं ये थोड़े फॉर्मूले मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लस टेक्नोमेट्री के भी कुछ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 120 डिग्री है, अगर इससे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको खींचेंगे यहाँ पे, तो ये जो साइट है ये इसकी आधी मतलब मिड पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे इसको, मतलब अगर इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस एज से पास होगा, ठीक है। अब ये 120 तो इसका आधा हो गया 60 डिग्री, और ये 12 दिया हुआ है आपको, तो अगर आप इसको ऐसे बना लें तो ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल आ जाएगा, ये 12 साइड दी हुई है, ये 60 डिग्री है और ये आपको निकालनी है, तो और ये 90 डिग्री है, तो देखिए 12 cos 60 ये हो जाएगी लेंथ और 12 sin 60 ये हो जाएगी लेंथ, तो हमको साइड की आधी पता चल गई, वो कितनी है 12 sin 60, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6√3, तो टोटल अगर ये साइड निकालनी है आपको ट्रायंगल की तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, तो ये साइड आ जाएगी आपकी 12√3 आ जाएगी। अब एक साइड ये है, और देखिए अगर ये हेक्सागन है क्योंकि, तो पूरा ये सिमेट्रिक है ये आपका ये फिगर, तो ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साइड आ गई आपके पास 12√3, फॉर्मूला आपको पता ही है √3/4 × साइड स्क्वायर, उससे आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था 1 की पावर 5 + 2 की पावर 5 से लेके 20 की पावर 5 तक का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। वैसे तो देखने में बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन काफी लॉजिकल और सिंपल है ये, आप देखिए अगर इसको कैसे करेंगे इसको। देखिए 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, उस 1 की पावर तो चाहे जितनी कर लो 1 ही रहता है। अब आप अगर इसको देखिए तो ये पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 एक बार आप निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 में 4 है, 8 है, देखो यूनिट डिजिट निकालनी है, तो बस एक उसको लिखो और उसको 2 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, लेकिन उसकी यूनिट डिजिट तो 6 हुई ना, फिर उसको 6 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 की पावर 5 2 ही होगी। ऐसे ही आप देखेंगे अगर आप पूरे ट्रायल करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की जो पावर 5 करेंगे तो वही नंबर आएगा, और 10 की पावर 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 10 तक में ये हो गई यूनिट डिजिट, यानी कि 1 + 2 + 3 + 9 तक करके और प्लस जो 10 की होगी 0। फिर आप अगर 11 से कैलकुलेट करना चालू करोगे, 1 2 करो वहां टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 1
आपने 11th वाली कर ली, फिर 12th वाली भी अगर 5 times कर लोगे तो वो लास्ट में यूनिट ये 2 ही आएगा। ऐसे ही आप देखोगे 19 तक भी यही रहेगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा और 20 का हो जाएगा 0। तो मतलब आपको इन जो ये जो दो सम है, मतलब एक सम है ये 1 से लेकर 9 तक का, इसको डबल करके इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है फॉर्मूला, लेकिन डबल है तो इंटू 2 कर दो, तो 90 आ गया, इसकी यूनिट डिजिट है 0, यही है इसका आंसर। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया आपका, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3 अंकों की सबसे स्मॉल संख्या जो कि प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर लिखा था यहाँ पे, प्राइम नंबर लिखना भूल गया मैं, उसको 13 से भाग देने पे कितना रिमाइंडर आएगा। यार देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होगी 100, लेकिन यहाँ पे प्राइम बोला है तो 100 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इसको 13 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा रिमाइंडर। देखिए जो पेपर है वो करीबन उसके 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे, जहां तक मुझे पता चला है, बहुत सारी जगह से मैं एनालिसिस किया है, इसीलिए अब जो मेरा वीडियो होता है उसमें मैं सबका कंपाइल करके बताता हूँ कि कहाँ पे कितना कौन बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए जो मॉक ऑक होते हैं वो उनका यही रोल होता है कि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी कर देते हैं। देखो ये जो मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले की मैंने पूरी पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर रखी है टेलीग्राम में, आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो अभी इसको कर लीजिए तुरंत, 52,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फ्री वाली पीडीएफ सब शेयर करता रहता हूँ। अभी मैं टेलीग्राम में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले शेयर करूँगा और प्लस आपके इंपॉर्टेंट और कुछ अलजेब्रा वाली चीज़ें शेयर करूँगा। और ये जो सिलेंडर में, जैसे अब आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एक सिलेंडर में दूसरा डाल दिया गया, एक कोन में स्पेयर डाल दिया गया, ये सब क्वेश्चनों में सिंपल लगता है फॉर्मूला और थोड़ा सा लॉजिक। आपको जो पूछा गया है उसको फिगर में बना के देख लो, मान लो एक कोन में आपको सिलेंडर डाल दिया गया तो फिगर में बना के देख लो कैसा है, और मतलब उसको विजुअलाइज करो कि आपने खुद एक आपके सामने कोन है और उसमें ये डाल दिया। वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप उसमें लॉजिक लगा दोगे तो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, और बस प्रेशर में थोड़ा अपना अगर धैर्य बना के रखो और ठीक से करो, 100 में आप टारगेट रखो कि करेक्ट कम से कम आपको 75 से 80 करने हैं, ठीक है, इनकरेक्ट वाले ज़्यादा मत करना क्योंकि नंबर भी कटेगा, माइनस भी मार्किंग है, 75-80 कर लो और फिर जितना जितनी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसको तुरंत छोड़ के दूसरे पे पढ़ जाओ, उस पर कभी भी ईगो मत लेना कि यार मेरे से नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें सिलेंडर में आपको कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया था, और टोटल सरफेस एरिया भी दिया है, वॉल्यूम पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कर्व सरफेस क्या होता है, 2πrh, टोटल सरफेस क्या होता है, प्लस इसमें πr² 2πr² जोड़ दो, तो इससे आपकी h डिवाइड बाई h प्लस r आ जाएगा, मतलब h और r में रिलेशन आ जाएगा, h इक्वल टू हो गया 2r/3। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम में, आप उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए h में रिलेशन आ गया r का, अब टोटल सरफेस एरिया 3000 दिया हुआ है, तो इसको फिर आप इसमें वैल्यू रखो। अब देखो यहाँ पे 2 अननोन है, r और h, लेकिन एक में हमको रिलेशन पता चल गया है, ठीक है, तो r को h के टर्म्स में लिख दो, r आ जाएगा यहाँ से, फिर आप h कैलकुलेट कर लोगे और वॉल्यूम आ जाएगा πr²h, ठीक है, तो आप इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना। आप देखिए ये जो फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc, इस पर बहुत क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन आज फिर पूछे गए, इसको रट लेना, बहुत सिंपल फॉर्म आते हैं इसमें, थोड़ा बहुत बस आप अगर इसमें कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 5a:3b:6c दिया हुआ है, abc का रेशियो पूछा है, तीनों का एलसीएम लेके तीनों से डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में बस यही होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा आपको, बहुत टफ है ये, 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 1/899 × 903। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आप अगर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टर्म है एक्चुअली क्या हो रहा है, 1 × x और x+4 का टर्म आ रहा है बस, ठीक है, ये टर्म आ रहे हैं आपके। अब इसको आप अगर मान लीजिए tn को लिखना है आप, 1/x × x+4 हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इस 4 को आप लिख सकते हो x+4 - x, लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख दिया आपने और नीचे 4 ये कॉमन ले लिया। अब इससे देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो तो 1/4 × 1/x - 1/x+4 हो गया। मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, जो ये वाला टर्म है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 1/3 - 1/7, इसको कैसे लिखोगे, 1/4 1/7 - 1/11, ऐसे करके आप लिखते जाओगे। अब आप इसमें फिर ऑब्जर्व करोगे कि आप इसमें 1/4 कॉमन ले सकते हो, और आप इसमें अगर टर्म्स लिखोगे तो 1/3 को छोड़ के बाकी सब अपने आप कब कटते जाएंगे, और जो लास्ट टर्म है उसको एक पहले का देख लो। अब देखिए उससे एक पहले का क्या आएगा, 1/895 - 1/899,
इसका टर्म क्या आएगा 189 माइनस 1 बटे 903, तो मतलब यहां तक तो कट जाएगा लेकिन माइनस 1 बटे 903 बचेगा, बस इतना आपको कैलकुलेट करना है, बस यही है आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा बस लॉजिक लगाया करिए, और बहुत मतलब ऐसे कोई टफ नहीं होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए लग रहा होगा बहुत टफ है, ये अंडर रूट में ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसमें कोई बहुत ऐसा कोई तोप नहीं है इसमें कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आप इसको निकाल लो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर आप किसी तरह निकाल लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 कर देना उसमें। इसको क्या करो, आप एक को इधर रहने दो, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ और स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपका सिंप्लीफाई करके। फिर ये अंडर रूट को इधर ले आओ और फिर उसको दोनों टर्म को कर दो, फिर वो स्क्वायर कर दो, बस दो बार स्क्वायर करना है और बहुत सिंपल है। अपने आप ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कितनी आ गई माइनस 1/4, और इसको आप प्लस 1 कर दो, बस आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू पूछी है, इसमें भी कोई ऐसा टफ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बस थोड़े बहुत याद रखने चाहिए। साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो बस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो साइन 45 साइन 30 कॉस 30 साइन 60 ये सब वैल्यू तो आपको रटी रहती है, ठीक है, तो बस आप इसको क्या करो साइन 15 को लिख दो साइन 45 माइनस 30, साइन 75 को लिख दो 45 प्लस 30, तो बस दोनों की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला पता है। ये सब फॉर्मूले अभी मैं शेयर कर रहा हूँ एक बार टेलीग्राम में, आप लोग देख लीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा जिनका कल हो। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 15 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, साइन 75 की भी इन सब में वैल्यू रख दो ये आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो तो रूट अंडर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा, और या फिर इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो √3/√2 तो फिर √2 मल्टीप्लाई कर दो तो √6/2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर इसमें साइन 2a और कॉस 2a में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें मैं जो मेंसुरेशन वाले PDF शेयर कर चुका हूँ पूरी, और प्लस अभी से लेके जितने क्वेश्चन पूछे गए मतलब 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक जितने क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में CGL Tier 2 में ये उसकी PDF है, ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप लोग तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।